Let's find out. वो क्लियरली यहाँ पे डिस्प्ले बाहर आ जा रहा है. ये वर्ल्ड का चीपेस्ट लैपटॉप है. चीप बनाने के दो बहुत ही आसान तरीके हैं. फर्स्ट वे, आप उसमें एकदम लोवेस्ट पॉसिबल स्पेक्स लगा सकते हैं. सेकेंड वे, आप उसमें लोवेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यानी कि इफ सेल्फ जिससे वो बनाया गया वो यूज़ कर सकते हैं. अगर आप दोनों को और ही कंबाइन कर दीजिए तो रिजल्ट बनता है कुछ जियो बुक जैसा. लेट्स फाइंड आउट गाइस, देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या कंप्रोमाइज़ किए गए. ऑन दी मटेरियल वाइज डेफिनेटली ये कंप्लीट प्लास्टिक होगा. यहाँ पे कोई भी आपको मेटल बॉडी ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दिस क्वेस्ट टेस्ट. यहाँ पे कंप्लीटली प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए. सीम्स लाइक जो प्लास्टिक है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा प्लास्टिक पेंट जैसा किया गया, बिकॉज ये जो यहाँ पे चंक्स निकल रहे हैं वो बहुत ही फाइन है. वी स्टिल सी कब यहाँ पे एक 5G वर्जन आएगा. अभी तो फिलहाल ये जस्ट 4G है. एंड स्क्रैच का पैटर्न देख के आप समझ सकते होंगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं. नॉट इवन अगर ये शार्प रेजर नाइफ, इवन तो अगर आप किसी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट से भी रगड़ देंगे तो भी यहाँ पे बड़े ही आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं. ये एक बॉल पेन है. अगर आपके बच्चे ने यहाँ बॉल पेन से कुछ लिख दिया तो भी बड़े आसानी से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं. जो यहाँ पे प्लास्टिक है वो यूनी कलर का है. इनसाइड जनरली व्हाइट होता है लेकिन यहाँ पे फ्रंट कलर से मैचिंग का यहाँ पे दिया गया. हो सकता है डिफरेंट कलर में डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो. हाउ अबाउट दी जियो लोगो, क्या ये यहाँ पे मेटल है? ये एक पतली सी मेटल की शीट यहाँ पे लगाई गई है. मोस्ट लाइकली ये एक थिन स्टेनलेस स्टील की शीट है जो यहाँ पे फिक्स की गई है. एंड यर लास्ट ओ ऑन दी बैक, यहाँ पे भी आपको सिमिलर कंस्ट्रक्शन मिलेगा बट यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही है. रबर के जो कुशन्स यहाँ पे लगाए गए हैं वो थोड़े से थिक हैं और इजिली बाहर नहीं आ रहे हैं, बट चाहे तो आप उसको भी बाहर ऐसे निकाल सकते हैं. ये एक स्ट्रॉन्ग ग्लू के थ्रू यहाँ पे लगे हैं और ये फिक्स भी इजिली हो जाएंगे. यहाँ पे स्क्रू है जिस पे एक वारंटी सील लगी हुई है. इनकेस ये निकल गया है तो शायद कंपनी कहेगी आपका लैपटॉप कहीं से ओपन हुआ है. यू गेट डेडिकेटेड SD कार्ड रीडर विच इज नाइस. यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा और हेडफोन जैक का स्लॉट भी मिलेगा. ऑन दिस साइड यहाँ पे आपको अगेन एक USB पोर्ट एंड मिनी HDMI पोर्ट भी मिलेगा और ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट. वेल, 15,000 में आपको काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स मिले. एटलीस्ट अगर आप एंड्रॉयड टैबलेट यूज़ करेंगे तो आपको इतने पोर्ट वहाँ पे तो नहीं मिलने वाले हैं. बट ओनली प्रॉब्लम इज दी GOS. गेटिंग इनसाइड, लेट्स सी गाइस कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है और जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो कैसा है. यहाँ पे एक फाइन पेंट है जो कि बड़े ही आसानी से हट सकता होगा. तो ज़्यादा आप अगर टाइपिंग और टेक्स्टिंग करते हैं तो शायद ये बहुत ही आसानी से हट सकते हैं. क्या बटन बाहर आ रहे हैं? एंड यस, बटन भी क्वाइट ईजली बाहर आ जा रहे हैं. लेट्स सी फिक्स हो पाते हैं कि नहीं. एंड यस, ये फिक्स भी बड़े ही आसानी से हो जा रहे हैं. टेस्ट ड्राइव, अनदर बटन, कैप्स लॉक. बटन बड़े ही आसानी से बाहर आ जा रहे हैं लेकिन फिक्स भी प्रॉपरली आप करेंगे तो वो हो जाएंगे. बट समहाउ आई थिंक ये कैप्स लॉक बटन फिक्स नहीं हो पा रहा है. बट दैट्स ओके, यहाँ पे हम ये टेस्ट करने नहीं बैठे हैं. इनसाइड भी आपको वैसा ही सिमिलर कंस्ट्रक्शन मिलेगा जैसा कि आउटसाइड में है. एंड हाउ अबाउट दी ट्रैक पैड, क्या ट्रैक पैड स्क्रैच करने के बाद काम करेगा? काफ़ी हैवी स्क्रैच करने के बाद भी ट्रैक पैड आसानी से काम कर रहा है. ये
यस, काफ़ी हैवी स्ट्रेच करने के बाद ये प्रॉपरली अभी भी वर्क कर रहा है। बट यस, आपको एवरी टाइम फील होगा कि शायद किसी ने आपके इस ट्रैक पैड के साथ शरारत कर दी है। लेट्स चेक आउट द डिस्प्ले कि ये डिस्प्ले कितना ईजली स्क्रैच हो सकता है, किस तरह के नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। अगर हम लेवल 2 पे यहाँ पे स्क्रैच करना स्टार्ट करें, लेवल 2 से डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक मेटल ऑब्जेक्ट, अगर वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। लेकिन लेवल 3 से यहाँ पे बड़ी आसानी से डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट, भले ही वो सॉफ्ट क्यों ना हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी हो, उससे आसानी से इस डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। और इवन शार्प प्लास्टिक से भी यहाँ पे स्क्रैच आसानी से पड़ सकता है। अब ये टच डिस्प्ले नहीं है, दैट मीन्स टच की फंक्शनलिटी में ऑब्वियसली कोई इशू आएगी नहीं बिकॉज इट्स नॉन टच, लेकिन ऑलवेज आपको ये विजिबल होगा कि वहाँ पे कोई स्क्रैच मार्क्स पड़े हुए हैं। एंड अबाउट द फेस कैम, लेवल 2 से यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। एंड विद द लेवल 3, लेवल 3 से यहाँ पे डीप स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी प्लास्टिक यूज़ किया गया है, कोई भी यहाँ पे ग्लास नहीं है। तो सेल्फी कैमरा भी, सेल्फी कैमरा कह रहा हूँ, फेस कैम भी यहाँ पे और वेब कैम आपका बड़ी आसानी से स्क्रैच हो सकता है और क्वालिटी में डेफिनेटली इश्यूज आ सकती है। टाइम टू फाइंड आउट कि ये हिंज कितना स्ट्रांग है। अगर आप बार बार इसको फोल्ड एंड फोल्ड करते हैं तो ये कितने टाइम तक चल सकता है। तो चेक आउट, अगर आप ज़्यादा इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे, क्लियरली यहाँ पे डिस्प्ले बाहर आ जा रहा है। एंड आप इसका मिनी टियर्ड ऑन भी आसानी से कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, टियर्ड ऑन में भी हम किसी अदर डे के लिए रिजर्व रखते हैं, बट फिलहाल अगर आप ज़्यादा बेंड कर देंगे तो शायद आपका डिस्प्ले आसानी से बाहर आ जाएगा। बट इसको आप बट ये इसलिए फिक्स भी हो जा रहा है और इसकी फंक्शनलिटी पे कोई इश्यूज भी नहीं आ रही है। बट दैट इज वेरी सीरियस, अगर आप एक्सीडेंटली ज्यादा इसको बेंड करेंगे अगेन तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिंज यहाँ पे लगाया गया है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे, ये जो मेटल यहाँ पे हिंज का, वो इस प्लास्टिक से यहाँ पे एडेड था, लेकिन अब वो यहाँ से ईजली टूट चुका है। दोबारा इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्या पता फिक्स हो जाए। सो नेक्स्ट टाइम आप इस लैपटॉप को ओपन करें, थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करें, ज़्यादा इसको आप ट्विस्ट करेंगे तो हो सकता है परमानेंटली ट्विस्ट ना हो जाए। टाइम फॉर द बेंड टेस्ट, क्या इस लैपटॉप को हम बेंड करके ब्रेक कर सकते हैं। काफ़ी थिक गैजेट है, काफ़ी बड़ा गैजेट है, आई डोंट थिंक सो कि ये इजिली ब्रेक हो पाएगा बिकॉज काफ़ी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। Now, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे फ्लैक्स करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा फ्लेक्स नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करूं, देन आप देख सकते हैं एक नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्स है। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो शायद ये टूट भी सकता है। थोड़ा सा इसको गिरा के देखते हैं। एंड अभी तो वर्किंग है। मेरे को एक बार लगा कि ऐसा ना हो कि पटाखा फूट गया अंदर का बैटरी, कुछ ऐसी तेज सी आवाज आई। एक्सीडेंटली ड्रॉप करने से कुछ तो नहीं हो रहा है, बस ये इसका डिस्प्ले का हिंज है, ये बाहर आ जा रहा है अपने आप।
अभी 12 आवर्स भी नहीं हुए हैं और ऑलरेडी इस जियो बुक में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आप थोड़ी देर देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये बार बार बूट लूप में चला जा रहा है, जैसे होम स्क्रीन आती है दोबारा ये फिर से रीस्टार्ट हो जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसका फिक्स क्या है। देखिए जियो बुक इज स्टार्टिंग, आफ्टर दैट फिर से ये जियो बुक के बूट स्क्रीन पर आ जा रहा है। अगर आपको कोई सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ बताइएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स सी ये प्लास्टिक डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आउटसाइड में काफ़ी हीट हो, या किसी ऐसी प्लेस पे काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क्स होता हो, देन उस केस में क्या ये डिस्प्ले प्रॉपर्ली डेड हो जाता है, इंस्टेंटली या पिक्सल्स रिकवर होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। इन जस्ट 7 सेकेंड में ही अराउंड यहाँ पे कंप्लीट बर्न मार्क आ चुका है और वो अब जाएगा भी नहीं बिकॉज ये कंप्लीट प्लास्टिक है। सो आई थिंक 7 सेकेंड मुझे लगा है, तो मे भी अगर ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट में रहेंगे तो विदिन 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में ये डिस्प्ले थोड़ा सा नॉन रिस्पॉन्सिव हो सकता है, वहाँ पर परमानेंट सा बर्न मार्क भी आ सकता है। जो सबसे बिग कॉन्स यही लग रही है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले का हिंज बनाया गया है वो बड़े ही आसानी से बाहर आ जा रहा है। सो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ज़्यादा डैमेज होगा तो शायद आपको ये कम्प्लीटली न्यू बाय करना पड़ सकता है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दी जियो बुक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द टियर डाउन। थैंक यू सो मच। दिस इज सौरभ। हैव अ ग्रेट डे।